ऐसे भगोड़ा ऐसे दुम दबा के भागने वाला प्रेसिडेंट आप सबके चेहरे गरीब बोरिया बिस्तर समेत विदा कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जान के लोकसभा में ये शिव डहरिया के कुकुर गति होना चाहिए। ये तो दुर्घटनावश विधायक बन गए हैं, उनको ये पता नहीं है कि चुनाव क्या होता है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बातें वो करते हैं। चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे तेज होती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान तेज होते जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया जी, उनसे बात करेंगे। अभी धरसिया विधायक अनुज शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया है कि आप बार बार सीट बदलते हैं, और उन्होंने सीधे शब्दों में भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, किस तरह से देखते हैं इस बयान? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रतिनियुक्ति में आए हैं, उनको ये पता नहीं है कि चुनाव क्या होता है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बातें वो करते हैं। और जैसे अभी एक गुरु खुशवंत जी हैं, वो जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसको वो दर्शा रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिल जाएगा और इस बार कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। आरंग विधायक ने ही कहा है कि वो जिस तरह से आरंग में कुकुर गति किए, वैसी इस बार के लोकसभा में कुकुर गति, तो इस तरह के शब्दावली पे क्या कहें? देखिए, ये तो खुद इधर उधर होते रहते हैं। 4.5 साल पहले कांग्रेस में ही थे, 4.5 साल कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद भाजपा में चले गए, ये तो दुर्घटनावश विधायक बन गए हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है, जिनको कुछ अकस्मात मिल जाता है तो संभाल नहीं पाता, तो उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अपनी जवान जो है संभाल के रखना चाहिए, और जो शाब्दिक अर्थ है उनको ठीक से बोलना चाहिए। अभी मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बकवास कहा है, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है, और उनको जो इन लोगों ने घोषणाएं की थी मोदी जी ने, उन्होंने तो कुछ पूरा नहीं किया। 15 लाख लोगों के खाते में नहीं आए, लोगों को 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, किसानों को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिला, और महंगाई कम नहीं हुई। ये खुद ही कहते थे कि महंगाई कम हुई, पेट्रोल के भाव कम हुए, डीजल के भाव कम हुए, गैस के भाव कम हुए, तो आप मुझे बता दो 10 साल में मोदी जी के राज में क्या ये कम हुए? तो इन सब चीज़ों को जनता देख रही है, और ये जो अनर्गल कुछ बातें कर रहे हैं उसको भी जनता देख रही है। इस बार इसीलिए कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। 5 न्याय और 25 गारंटी की बात हो रही है, चुनाव में कांग्रेस के लिए कितनी मददगार, क्या तस्वीर बदलेगी? देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं आया है, और जो पिछली घोषणाएँ हैं उनको इन लोगों ने पूरा ही नहीं किया है। हमारी 5 न्याय योजनाएँ आई है, उन 5 न्याय योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, और जनता कांग्रेस पार्टी पर ही हमेशा विश्वास करती है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। जैसे हम महिलाओं के लिए नारी न्याय योजना लाए हैं, जिसमें महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला के खाते में 1 लाख रुपये डाले जाएंगे हर महीना, 8,333 रुपया। युवाओं को 30 लाख नौकरियां तत्काल दी जाएगी, और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर रोजगार नहीं मिल पाता तो उनके खाते में भी 1 लाख रुपये तक डालने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। किसानों के जो MSP है वो हमारी सरकार तत्काल घोषित कर देगी, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी, और किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी, उनके फसल बीमा की राशि दी जाएगी। ये हमारी कांग्रेस पार्टी घोषणा है। मनरेगा का जो मजदूरी होता है 225 करीब है, वो बढ़ा के सीधा 400 रुपये कर दिए जाएंगे। हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए BRGF योजनाएँ होती थी, SC ST कंपोनेंट प्लांट होते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, हम उनको चालू करेंगे। और इस देश के युवाओं को, महिलाओं को, जो सर्व लोग हैं, उन सबको सरकार की ओर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, इस दिशा में हमारी सरकार आएगी, काम करेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिव डहरिया जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस की जो 5 न्याय है और 25 गारंटी है वो कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने वाली होगी, और इसके बाद जनता जो है वो भरोसा कांग्रेस के साथ होगी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान आए हैं खुशवंत साहेब और धरसिया विधायक अनुज शर्मा पर, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है, और सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।